इस स्टेट ने जो अपना तशद्दद किया लोगों के उत्ते, ये दोनों रवायती पार्टियां उसे ही लीह ते चल के कोई भी इंसाफ देने तो मुनकर हुई ने। जदों तो श्रोमणी अकाली दल अते बादल परिवार नूं दोषी ठहराया गया है, उदों तो कैप्टन सरकार अते बादल परिवार का बाहर निकलना औखा होया पिया है, क्योंकि कैप्टन सरकार वालों बादलों नूं बचाउण दे दोष लगाए जा रहे ने। हुण एक बार फिर सुखपाल खहरा ने इस मामले ते मोर्चा खोलिया, जिस नाल अकाली दल ते कैप्टन दीआं मुश्किलां वधण वालीआं ने। खहरा ने पंजाब दे सारे धर्मां दे लोकां नूं हत्थ जोड़ के अपील करदिआं कहा कि 7 अक्तूबर दिन ऐतवार नूं सवेरे 10 बजे कोटकपूरा चौंक विच इकत्र होण, तां कि इन्हां दोषियां दे खिलाफ जल्द कार्रवाई करन लई कांग्रेस सरकार जाग उठे। खहरा ने पंजाब दे लोकां नूं अपने साधना ते काले रंग दे झंडे ते कालियां पग्गां बन के आउण लई कहा, ते उत्थे ही सारियां भैणां नूं काले रंग दीआं चुन्नियां लै के आउण दी बेनती कीती, ते कहा कि इह रोस मुजहरा शांतमई ढंग नाल कोटकपूरा चौंक तों शुरू हो के पिंडां विच्चों दी लंघदा होया बरगाड़ी मोर्चे ते जा के समाप्त होवेगा। कोटकपूरा चौंक जिथे गोली भी चली सी ते पछाड़ां ते लाठीचार्ज ते एक इस स्टेट ने जो अपना तशद्दद किया लोगों के उत्ते, बिल्कुल पीसफुल तरीके नाल जिहड़े लोग निहत्थे बैठे सीगे, पाठ करदे सी, औरतां सी, बजुर्ग सी, उस तशद्दद वाले थां ते पंजाब भर चों लोगों नूं इकट्ठे करके एक वड्डा रोस मार्च उत्थों शुरू किया जाएगा 7 अक्टूबर नूं, जिहड़ा कि दिन ऐतवार बनता वा। वो जिहड़ा रोस मार्च है वो पिंडां दे विच्चों गुजरदा होया, जिस पिंड जिस सरावां पिंड विच सरावां सी जी, जिथे एक नौजवान दी एक गुरजीत सिंह दी गोली मार के कतल किया गया बैबल दे विच, उन्हां दे पिंड दे विच दी हुंदा होया बैबल निकल के ते बैबल तो बरगाड़ी विच जाके उस इंसाफ मोर्चे जिहड़ा कि पिवट है इस वक्त जिहड़ी एजिटेशन लॉन्च कीती हुई आ इंसाफ मोर्चे ने, उत्थे जाके वो कंप्लीट कंक्लूड होवेगा। और मेरी सारे पंजाब दे विच बैठे हर वर्ग के लोगों अपने सत्कारयोग हिंदू वीरां नूं, अपने सत्कारयोग मुसलमान भरावां नूं, ईसाइयां नूं, किसानां नूं, किरतियां नूं, कामियां नूं, हर वर्ग के लोगों नूं हथ जोड़ के साडे अज सदन की अपील है कि असी ये शांतमई पीसफुल प्रोग्राम पंजाब के हित विच गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा कि एक सर्व धर्म जिहदे विच सारिआं धर्मां दी बाणी दर्ज है, जे दोनों पार्टियां ने इस ते वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है ते इहदे विच इंसाफ लैण वास्ते पंजाब दे लोकां नूं आप अगे आउणा पवेगा। बल्कि विश्व च बैठे गुरु नानक नाम लेवा अते सारे धर्मां दे लोकां नूं अपील आ कि 7 अक्टूबर दे इस विशाल मार्च नूं काले झंडे बन के गड्डियां मोटरां ट्रालियां स्कूटर ट्रैक्टर इन्हां दे काले झंडे बन के कालियां पग्गां बन के अपनियां भैणां नूं बेनती करांगे कि कालियां चुन्नियां लै के कोटकपूरे दे चौंक विच 7 अक्टूबर ऐतवार नूं सवेरे 10 बजे इकत्र होवो और उत्थों रोस मार्च करके बरगाड़ी दे मोर्चे विच जाके आपां इस सरकार नूं मजबूर करिए कि वह पुख्ता एक्शन लवे, क्योंकि सरकार नज़र आ रही आ फैसिलिटेट कर रही आ, पैसेज दे रही आ, सेफ पैसेज दे रही है, एक गिनी मिथी साजिश के तहत वो गुनाहगारां नूं कोर्टां दे राहीं ते बाद विच कहण लग जाणगे कि मैटर इज सब जुडिस, साडे हत्थ बन्ने होए ने। और अमरिंदर सिंह दी सरकार टोटल फेलियर होण दे नाते जिन्हां ने DGP अकालियां दा लिया वा बोरो कीता, और उपर मोदी साहब दी सरकार दे प्राइम मिनिस्टर दे एडवाइजर अजीत डोवल तो इत्थे इंस्ट्रक्शंस पंजाब विच लै के उस DGP नूं 3 महीने होर एक्सटेंशन देती तां कि पुलिस वाले गुनाहगारां नूं कातलां नूं बचाया जा सके। एक पूरी गिनी मिथी साजिश के तहत यह सब कुछ हो रहा पंजाब दे विच। वैसे तो दास्तान पंजाब दे नाल बहुत पुरानी आ वितकरे दी, परंतु मैं उधर ना जाता होया कहना चाहुंदा कि उसे ही एक नीति चाहे सरकार दिल्ली विच कोई होवे, कांग्रेस BJP किसी पार्टी की सरकार होवे, उस नीति के तहत एक बार फिर वितकरा पंजाब दे नाल कीता जा रहा और पंजाब दे लोकां दे जज्बातां नूं दबाया जा रहा वा। और जिस तरह नाल अज तक सिखां दे कतलेआम होए नूं 33-34 साल इंसाफ नहीं मिलिया, ये दोनों रवायती पार्टियां उस ही लीह ते चल के आपस में मिली भुगत दे नाल अंडरस्टैंडिंग दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब दे इस मसले ते
कोई भी इंसाफ देने तो मुनकर हुई ने, इसलिए अज सानू ये मीटिंग करनी पड़ी। हुण देखना यह होगा कि खहरा वालों चुके इस कदम नाल कांग्रेस सरकार कोई एक्शन लेंदी है जां नहीं, पर जेकर देखा जाए तो दोषियों नू सजा दवाने लई हुण सारे पब्बा भर होए पे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाब।